नमस्कार, मैं हूं सौरभ राज जैन और आप सुन रहे हैं अर्थ ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूं हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियां जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। पूजा में बैठी दादी दीपक जलाने के लिए माचिस मांगती रही, लेकिन टैब में वीडियो देख रही जिया अपनी जगह से हिली तक नहीं। बस दादी नाराज हो गई। दादाजी ने न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आवाज देकर चश्मा मंगवाया। आधी उन्हें गेमिंग कंसोल के साथ आए 3D ग्लासेस थमा आया तो दादाजी भी नाराज हो गए। कुमार फैमिली में जब से बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा के लिए साथ रहने आ गए थे, तब से यही हाल था। आए दिन जाने अनजाने में बच्चों से कोई ना कोई शरारत हो ही जाती और दादा दादी को कहने का मौका मिल जाता, तुम्हारे पापा जब तुम लोगों की उम्र के थे तो स्कूल जाने से पहले 2 घंटे पढ़ते थे और आने के बाद 4 घंटे, और एक तुम लोग हो, मजाल है कभी हाथ में किताब लिए नजर आओ। कुमार फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स का बच्चों के लिए ये कंसर्न यूं ही नहीं था। दादा दादी को बच्चे हमेशा टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, टैब, मोबाइल, इंटरनेट और व्हाट्सएप जैसी ना जाने और कितनी चीजों में उलझे नजर आते। दादा दादी को ये सब नागवार गुजर रहा था। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बस फिर तो दादा दादी भी बच्चों के साथ बच्चे हो गए। बच्चों को सुनाने का मौका ढूंढते और इन्हीं बातों पर डांट भी लगा देते। कुमार फैमिली में बच्चों और बुजुर्गों के बीच का ये टकराव क्या वक्त रहते सुलझ पाया, और क्या कुमार फैमिली में बच्चों के लिए इंटरनेट का यूसेज कम हो पाया? मैं इन सब सवालों का जवाब आपको बताऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप सुनिए फिल्म मासूम का ये गाना, जिसमें गुजरे जमाने के बचपन की प्यारी सी झलक है जो आजकल दिखना मुश्किल है। मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ आप सुन रहे हैं अर्थ ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कुमार फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स के आने के बाद बच्चों के गेम्स और व्हाट्सएप यूज करने पर सख्ती शुरू हो गई। दादा दादी की कोशिश होती कि बच्चे इंटरनेट के चक्कर से दूर रहें। अब आगे, इंटरनेट पर रोज रोज की रोक टोक के बीच एक दिन दादी ने जिया को टैब के साथ जमा हुआ देख लिया। पिछले 1-1.5 घंटे से जिया टैब लेकर बैठी थी। बस दादाजी को आवाज देकर दादी ने सुनाना शुरू कर दिया, देखा अपनी मम्मी से कहा कि मैं पढ़ रही हूं, कल एग्जाम है और देखिए कैसे घंटे भर से गेम खेल रही है इधर। दादी की बात सुनकर दादाजी भी आ गए और मम्मी भी। मिसेस कुमार ने तुरंत जिया के हाथ से टैब लिया और देखने लगी कि आखिर जिया कौन सा गेम खेल रही है, लेकिन गेम का कोई ऐप उसके टैब पर खुला ही नहीं था, बल्कि ये तो एक एजुकेशनल ऐप था जिस पर जिया अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर रही थी। उस ऐप पर 12वीं क्लास तक का कोई भी कोर्स सब्सक्राइब किया जा सकता था। जिया का पूरा सिलेबस उसके टैब में एक क्लिक के साथ मौजूद था। मिसेस कुमार ने ये सारी बात अपनी मदर इन लॉ को समझाई। दादा दादी टैब पर होने वाली पढ़ाई की बात से थोड़ा आश्चर्यचकित नजर आए, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिद यही थी कि बच्चों को इन चीजों से दूर रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी और पुरानी सोच के इस टकराव में आगे कुछ ऐसा हुआ कि दादा दादी ने हार मान ही ली और अपना निर्णय बदल दिया। इस घटना के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप सुनिए ये गाना मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कुमार फैमिली में दादा दादी बच्चों के मोबाइल फोन, टैब, इंटरनेट और व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर नाराज थे। अपनी जिद में वो टेक्नोलॉजी के फायदे भी नजरअंदाज कर रहे थे। अब आगे, मिस्टर कुमार के पेरेंट्स अब भी अपनी बात पर कायम थे, लिहाजा बच्चों ने थोड़ा एडजस्ट करना शुरू कर दिया। वैसे भी आदि और जिया का अपना अलग अलग रूम था,
दोनों बच्चे अपने कमरे में रहकर ही पढ़ाई करते और कम से कम दादा दादी के सामने तो मोबाइल और इंटरनेट से दूरी बनाए रखते। अब बच्चों को लेकर दादा दादी की शिकायतें काफी कुछ कम हो गई थी। कई दिनों के बाद दादाजी की एक शिकायत सुनाई दी। 2 दिन से सारा मार्केट छानने पर भी उन्हें दादी की एक दवा नहीं मिली। दादाजी ने अपने नेटिव प्लेस फोन करके पता भी किया तो वहां भी दवा अवेलेबल नहीं थी। एथराइटिस की वही दवा दादी को राहत देती थी। कहीं दवा ना मिलने पर दादा दादी परेशान हो उठे। दादी को दर्द से कराहता देख आदि बोला, दादी ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं आपके पैर दबा दूं? दादी का जवाब आया, बेटा ये दर्द दबाने से नहीं बल्कि दवाई से ही ठीक होगा और दवाई तो यहाँ किसी दुकान पर नहीं मिल रही। तुम्हारे दादाजी 2 दिनों से हर दुकान पर ढूंढकर थक चुके हैं। फिर क्या हुआ कि दादा दादी को बच्चों पर प्यार आ गया, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा गाना एक रूठे हुए बच्चे को मनाने के लिए, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आप सुनते रहिए अर्थ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ आप 92.7 बिग एफएम पर सुन रहे हैं अर्थ। अब तक आपने सुना मिस्टर कुमार के पेरेंट्स बच्चों के मोबाइल, नेट और व्हाट्सएप जैसी चीजों के इस्तेमाल से सहमत नहीं थे। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी लगातार जीवन आसान भी कर रही है, पर जिया और आदि के दादा दादी टेक्नोलॉजी से दूरी पर अड़े थे। अब आगे, दादी के एथराइटिस की दवाई जो पिछले कुछ दिनों से ढूंढ ढूंढ कर दादाजी थक गए थे, वो दवा दोपहर को उन्हीं के हाथ में डिलीवर कर दी गई। डिलीवरी आते ही दादाजी ने पैकेट के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाकर सबको बुला लिया। आखिर पैकेट पर नाम भी उनका ही था। लेकिन पैकेट खोलने पर जैसे ही उन्होंने दादी की एथराइटिस की दवा देखी, दादाजी चौंक गए। उन्होंने दवा ऑर्डर नहीं की थी, फिर किसने मंगाई? तब मिसेस कुमार ने आगे आकर बताया, पापा ये दवाई जिया और आदि ने मंगाई है। आपको दवा के लिए परेशान देखा तो इन्होंने इंटरनेट पर दवा ढूंढी, कई ऑनलाइन साइट्स पर उसे खोजा, तब कहीं जाकर ऑर्डर किया। मिसेस कुमार की बात सुनकर दादाजी को समझ आ गया कि टेक्नोलॉजी से जिंदगी आसान भी होती है, वरना तो उनकी धारणा यही थी कि इंटरनेट, मोबाइल और व्हाट्सएप ये सब सिर्फ वक्त बर्बाद करने के साधन है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी जीवन सरल बनाने के लिए होती है, पर लोग अक्सर तकनीक से जीवन जटिल बना लेते हैं। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के हाथ में दिन भर मोबाइल देखकर मिस्टर कुमार के पेरेंट्स का कंसर्न भी अपनी जगह सही था, और तकनीक सीखने और इस्तेमाल करने के लिए मिसेस कुमार से मिला बच्चों का सपोर्ट भी सही है, क्योंकि तकनीक का फायदा अपने साथ नुकसान भी लेकर आता है। आगे तो हमें ही तय करना है कि हम टेक्नोलॉजी से फायदा चाहते हैं या नुकसान। सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। मैं सौरभ राज जैन फिर आपके सामने आऊंगा जीवन को सही अर्थ देने वाली कुछ और कहानियां लेकर, और इस उम्मीद के साथ कि जब मैं पूछूं कैरिशु तो आप वापस कहें वारिशु। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम।